आज का ध्यान अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का ध्यान है। आज के ध्यान में अगर कोई मेडिकल टर्म्स आए तो आप ये मान लेना कि मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझ लें। मनुष्य के माइंड का मैं वर्णन करूँगा, शरीर का कौन कौन सा हिस्सा, मन का कौन कौन सा हिस्सा, मस्तिष्क का कौन कौन सा हिस्सा किस चीज़ से जुड़ा है। ध्यान में जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो तीन स्थानों पर क्रिया होती है, ब्रेन के तीन स्थानों पर क्रिया होती है। एक सेरिब्रम फोर ब्रेन, ये जो सेरिब्रम यहां पर है, यहां पर ये सेरिब्रम है हमारा, इस तरह से दो लोब होते हैं ऐसे, एक इधर एक बायां एक दायां, उनके बीच में जिन्होंने पढ़ा है मनोविज्ञान उनको मालूम है, उनका एनाटॉमी मालूम है। पहला सेरिब्रम, सारे ज्ञानेंद्रियों का केंद्र सेरिब्रम है, सेरिब्रम या जिसको कहते हैं बृहद मस्तिष्क, चलो सेरिब्रम। दूसरा है सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है वो है बैलेंस करने वाला, इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल, हमारे संतुलन के लिए जिम्मेदार। हमने देखा है मेडिकल कॉलेज में सेरिबेलम के ट्यूमर के पेशेंट्स आते थे हमारे पास, सेरिबेलम के हेमरेज के पेशेंट आते थे, तो उनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, स्पेस में ओरिएंटेशन गड़बड़ा जाता है, चलना चाहे तो नहीं चल पाते, क्यों, भूल जाते हैं कि हम किधर चलें, सीधे चलें कैसे चलें, चलते चलते गिर जाते हैं। यह है बैलेंस कराने वाला केंद्र। और तीसरा है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये सारे के सारे शरीर की इन्फॉर्मेशंस, ज्ञानेंद्रियों संवेदनाओं के जितने केंद्र हैं उनसे सारा का सारा संवेदना के सेंसरी न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स से सूचनाएं ला करके देने का काम मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इस तरह से होता है। इस तरह से ऊपर पॉन्स होता है छोटा सा करीब एक इंच का, और उसके ऊपर बैठा होता है ब्रेन, ऐसा ब्रेन हमारा, सेरिब्रम सेरिबेलम उसके पीछे चिपका होता है छोटा सा हाइंड ब्रेन, जो हम वहाँ पे अपनी मेडिकल इंग्लिश में बोलते हैं हाइंड ब्रेन या लघु मस्तिष्क, है ना, वो बृहद मस्तिष्क लघु मस्तिष्क, और नीचे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि सेरिब्रम जो है वो हमारी मानसिक चेतना का केंद्र है, हमारा चेतन मन का केंद्र है, चेतन मन का हमारा जो केंद्र, एकाग्र जो हम करते हैं मन, तो मानसिक चेतना का केंद्र सेरिब्रम है। और सेरिबेलम जो है वो परा चेतना का केंद्र है, पैरासाइकोलॉजी, सभी संस्कार परामनोवैज्ञानिक जितनी विभूतियां हैं हमारी, पैरासाइकोलॉजिकल जितनी भी अतीन्द्रिक सामर्थ्य जितनी भी है, और सभी संस्कार जितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार लेकर के आता है वो सेरिबेलम में यहाँ पर रहता है। और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है वो परम चेतना का केंद्र है, चेतना पराचेतना परम चेतना, तीसरा वाला जो है परम चेतना केंद्र। यदि तीनों चेतना से पराचेतना, पराचेतना से परम चेतना इनको जागृत कर दिया जाए तो हमारा सहस्रार ब्रह्मरंध्र तक खुलने के अवसर बढ़ जाते हैं और सारा का सारा हिस्सा जागृत हो जाता है। ये एनाटॉमी है, स्पिरिचुअल एनाटॉमी। इसी तरह से साधना की भी तीन विधियां हैं, सेरिब्रम के लिए हठयोग, इंद्रियां सशक्त हों, हठयोग का उद्देश्य क्या है, इंद्रियां सशक्त हों तो हम जीवन को साधकर चेतन मन को शांत कर लें, हठयोग द्वारा इंद्रियों को शांत किया जाए, विषयों के स्पर्श से बचा जाए। ये चेतन मन का खेल है पूरा पूरा, साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि की स्थिति में चले जाएं। इसमें हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, चेतन मन के जागरण से हमें करामातें कई आ जाती हैं, जैसे कि एक स्वामी जी थे जो अपनी नाड़ी की गति रोक लेते थे और शरीर पूरा के पूरा उनका हार्ट चलता रहता, सब चलता रहता था, एक बोलते थे एक साइड में आप देखिए इस समय नाड़ी नहीं चल रही है, एक हाथ की नाड़ी रोक लेते थे, चेतन मन का खेल है सारा के सारा। पायलट बाबा समाधि कर लेते थे और निकल के आ जाते थे 60 दिन बाद, ढेर सारे लोग उसके बाद करने लगे, ये चेतन मन का हठयोग का की उपलब्धि है। सेरिबेलम का जो साधना पद्धति है वो है राजयोग, सविकल्प समाधि, सारी योगिक विभूतियां इससे जुड़ी हुई हैं, सेरिबेलम की उपलब्धि है अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण, राजयोग के माध्यम से अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण। दो हो गए, सेरिब्रम हठयोग, सेरिबेलम राजयोग, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो स्पाइनल कॉर्ड का या सुषुम्ना नाड़ी का ऊपर का भाग कह लीजिए उसको,
सुषुम्न नाड़ी का ऊपर तक चलता हुआ भाग एकदम चौड़ा होता चला जाता है और नीचे हमारा एक फोरामन मैग्नम होता है इस खोपड़ी के नीचे, उसमें से यूं निकलता हुआ ऊपर जा करके फिर सहस्रार ब्रह्मरंध्र तक चला जाता है, एक फव्वारे की तरह चला जाता है, वही ऊपर कॉर्टिकल सेंटर्स तक जाता है। ये निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि और निर्वाण का केंद्र है ज्ञान योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, ज्ञान योग द्वारा निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि और निर्वाण समाधि, निर्वाण की स्थिति तक पहुंचना। स निर्वाणम अधिगच्छति भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों में होता हुआ चेतन अवचेतन ये सब चीजें बार बार बताई हैं, चेतन पराचेतना और उसके बाद परम चेतना की ओर जो जाता है वो निर्वाण की प्राप्ति हो जाता है। ये क्रमिक रूप से ध्यान की अवस्थाएं हैं। ध्यान में क्या होता है, ऊपरी स्तर पर विचारिक तरंगें होती हैं, ऐसे ही चल रही हैं खूब सारी, समुद्र में देखें तो क्या है ऊपर तरंगे तरंगे दिखाई पड़ रही, विचारों का आलोड़न है, विचारों का कंपन है, वाइब्रेशंस हैं समुद्र की तरह से। अगर थोड़ा सा और गहरा चले जाएं समुद्र में 1000 मीटर गहरा तो वहाँ शांति है, अगर आप 2000 मीटर चले जाएं और भी शांति है, इतनी शांति की निस्तब्धता की तरह से शांति, जरा भी हलचल नहीं। ध्यान में ये 2000 फीट दूर जाने वाली सब निस्तब्धता आती है। ध्यान में आदमी चेतन चेतन पराचेतना से जाकर परम चेतना में प्रवेश कर जाता है और अंतर्मौन में स्थापित हो जाता है। ध्यान में प्रक्रिया घटित होती है, हम उस गहराई में जाकर के क्रमिक रूप से अंतर्मन में स्थापित हो जाते हैं, अंतर्मन का मौन स्थापित हो जाता है। अंतर्मन का मौन सबसे बड़ी विशेषता है। मौन केवल जीव को विश्राम देने को नहीं कहते, मन का मौन, अंतर का मौन, अंतस का मौन। कई लोग क्या करते हैं मौन में, इशारों से बात करते रहते हैं, आज क्या बना है, समोसा बना है, इशारों से बात करें। ढोंगी टाइप के लोग होते हैं कि 6 घंटे का मौन है, 6 घंटे में इतनी बात कर लेंगे जितना आदमी मुंह से नहीं बोल सकता उतना बोलेंगे नहीं मुंह से इशारों से बात कर लेंगे। एक स्वामी जी हैं वो मौन रखते हैं करीब 6 महीने का, 4 महीने का, साल में वो अपने चिट्ठियां लिखते रहते हैं, फिर सामने वाले पढ़ाते हैं, सामने वाला कुछ कहता है फिर वो चिट्ठी लिख के देते हैं, फिर लिख के देते हैं, तो इतना लिख देंगे बहुत सारा लिख देंगे, ये मौन ताकत नहीं देता। ये मौन, इस मौन में जीव को विश्राम मिला और बाकी सबको विश्राम नहीं मिला, बाकी अंतर जगत की इंद्रियों को विश्राम नहीं मिला, अंतर जगत को विश्राम नहीं मिला। मन में हम फुल स्टॉप लगाते हैं मौन के माध्यम से, मन का विश्राम देते हैं पूरा के पूरा, तब ध्यान फलित होता है। ध्यान तब घटित होने लगता है जब मन में हम फुल स्टॉप लगा दें। ध्यान कहता है हम क्रमिक रूप से मौन की स्थिति में जाएं, मन को साधें, क्रमशः ग्रेजुअली अंतर मौन की स्थिति में जाकर के मन को साधें। और ये प्रोसेस जो है लंबे समय तक चलती है, तब जाकर के मन को विश्राम मिल पाता है। इस प्रोसेस में एक काम और होता है, रेचन, कैथार्सिस, रेचन यानी सब चीजें निकलती हैं बाहर, दबे विचार निकलते हैं। जो भी मंत्र की जब की साधना कर रहा है उसमें सबसे पहली प्रक्रिया है चित्त की दबी हुई बातें ध्यान में प्रकट होती हैं। जितनी दबी बातें हमारी हैं, हमारे चिंतन में जितना भी कुछ दबा हुआ है वो सब कुछ सब ध्यान में प्रकट होता है। और ये जरूरी है कि इसकी कैथार्सिस हो, जरूरी है कि इसका निष्कासन हो। ध्यान का नाम है मन पर लदे बोझ को निकाल देना, निकाल फेंकना। ध्यान का नाम है मन पर लदे बोझ को निकाल देना, निकाल फेंकना, चित्त को निरतिशय कर देना, निरतिशय टोटली शांत कर देना। कुछ नेगेटिव भी निकलती हैं, कुछ पॉजिटिव भी निकलना चाहती हैं हमारी बातें ध्यान में। किसी किसी को नेगेटिव इंपल्सेस मिलती हैं, किसी को पॉजिटिव इंपल्सेस मिलते हैं।
तो उस विरेचन की प्रक्रिया में अनुभूतियां होने लगती हैं ढेर सारी। कभी कभी नेगेटिव की वजह से अनुभूतियां नेगेटिव होती हैं, तो लगता है ध्यान से हम तो और भी परेशान हो गए, ये क्या हो गया, हमको तो कोई भूत दिखाई दिया, कभी कुछ दिखाई दिया, कभी हमारा प्रारब्ध दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे कुछ संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं। ये कैथारसिस की प्रक्रिया है, थोड़े दिनों में निकल जाएगी। हम बेचैन न हो, विकल न हो। यदि इंसान खाली हो जाए विरेचन में, तो आधा उसका जो स्टोरेज भरा पड़ा था वो सब खाली हो जाता है, मतलब जितना भी लदा हुआ बोझ था वो खाली हो जाता है। और ये अंतर मन का बोझ खाली हो जाए, इसका मतलब ध्यान के लिए मनोभूमि बनने लगी। हमारे यहाँ मनोचिकित्सा क्लिनिक में अभिव्यक्ति कराते हैं पेशेंट्स, बार बार अभिव्यक्ति कराते हैं, बोलो बोलो अपनी तकलीफ बोलो, कोई लेक्चर नहीं देता कि आप बोलता, आप लेक्चर देते जाए कि इतना होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। पेशेंट से कहलवाते हैं, पेशेंट से बुलवाते हैं। जब पेशेंट सब बोल लेता है, बोलते बोलते उसके मन में आता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है, तो बाहर दरवाजे के बाहर जाके देखता है, फिर इधर देखता है, उधर देखता है, कोई नहीं देख रहा है। उसके बाद फिर सीढ़ियों तक जाके देखता है कि वहाँ भी तो कोई नहीं देख रहा है। फिर अंदर आके बैठ जाता है, नहीं अकेले सर ही बैठे हैं और कोई नहीं बैठे हैं। फिर उसके बाद वो बोलना चालू करते करते फिर उसको डर लगता है, फिर खिड़की के बाहर देखता है, सब तरफ देखता है। फिर जब वो पूरा खाली हो जाता है तो उसको लगता है कि अब मैंने अपनी बात मन की सारी कह दी। ये जो खाली कराना है बहुत ज़रूरी है। स्वामी रामतीर्थ एक बार अयोध्या गए, एक व्यक्ति बोला मेरी लड़की बहुत बहादुर है स्वामी जी, इसने उसका पति मर गया तो भी ये रोई नहीं, एक आंसू भी नहीं निकला। उन्होंने लड़की को बुलाया तो उसका मास्क जैसा चेहरा देखा। उन्होंने कहा ये बहादुर नहीं है, निस्पंद हो गई है शोक के मारे। शोक हिंदी का शब्द और शॉक इंग्लिश का शब्द, शोक के मारे, शॉक के मारे निस्पंद हो गई, इसे रुलाओ। स्वामी जी हमें तो, हम समझ रहे थे बड़ी बहादुर है। तो स्वामी जी ने चार पांच बातें कहीं और उसका जो फूट फूट के रोई है तो करीब 3 घंटे तक रोती रही और उसके बाद हल्की हो गई। न रोना उसकी बीमारी का मूल कारण था जिसको वो बहादुर माने बैठे थे। जब तक खाली नहीं होगा, कैथारसिस नहीं होगी, रेचन बहुत जरूरी है, रेचन नहीं होगा तब तक आदमी स्वस्थ नहीं हो पाए। उसके बाद महिला लड़की स्वस्थ हो गई। दमन का नाम योग नहीं है, सुनियोजन का नाम योग है। इस चीज को दबा लो, ये भाव हमारे बीच में मन में बार बार फूटता है, इसको दबा दें नहीं दबा दें, दबाने का नाम नहीं है योग। उपशय, शमन, रूपांतरण, ये नाम लिए जाते हैं। शमन नहीं करना है हमको, रूपांतरण करना है। उपशय, निरतिशय, रूपांतरण, ये प्रक्रिया ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमको प्रोसेस करनी है ताकि साधना हमें संपन्न हो जाए। और ये तब हो पाएगा जब हम चेतन मन को एकाग्र कर पाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? सेरिब्रम से शुरुआत करेंगे। मैंने एनाटॉमी बताई थी ना शुरू शुरू में, ये तभी घटित होगा जब हम चेतन मन को एकाग्र कर पाएंगे। अब आज का प्रश्न जो पूछा था उसकी बात पे आता हूं। एकाग्रता जब जबरदस्ती की जाती है तो थकान पैदा करती है। जब भी एकाग्रता जबरदस्ती की जाती है तो थकान पैदा करती है। आर्य समाज में एक स्वामी जी हुए, आनंद स्वामी जी महाराज, खुशहाल चंद नाम था उनका, संन्यास के पहले का। उन्होंने गायत्री, आनंद गायत्री कथा लिखी है। उन्होंने लिखा है कि वो अपनी चोटी में एक रस्सी बांधते थे, उसको ऊपर बांधते थे कील से, चोटी में रस्सी बांध के ऊपर बांधते थे। और उसके बाद क्या करते थे, अपना पढ़ाई चालू रखते थे, माला करते थे, माला करते करते नींद आती थी, जैसे नीचे नींद आई हुआ तुरंत चोटी ऊपर बाल खींचे उसने, तुरंत फिर मन सीधा एकाग्र हो जाता था। शुरुआत उन्होंने वहां से की कि जगे रहना है, सोना नहीं है। कितने लोग सोते रहते हैं। मैं मथुरा में शुरू में गया 67 में, पहले 63 में गया था, 67 में जब मैंने मेडिकल एडमिशन लिया तो मैं अनुष्ठान साधना करने के लिए गया, तो हमारे साथ उज्जैन के एक गार्ड साहब नाम से संबोधित करते थे हमको, वो हमारे साथ थे। और एक और थे, इन दिनों नहीं रहे, स्वर्णकार जी, वो हमारे साथ थे, बीच में वो बैठते थे और वो कहते थे मैं 20-30 साल से गुरुदेव से जुड़ा हूँ 67 में। मैं समझता था बहुत पुराने हैं, जो 30 साल से जुड़ा है वो 1937 से जुड़ा है। मैंने कहा बहुत पुराना आदमी है। तो जब भी वो जब करते थे तो वो थोड़ा थोड़ा आगे आते जाते पूरा लेट जाते थे, पूरा लेट जाते थे। अब हम लोग माला करते थे, रहते थे तो माला मन लगाते थे, सामने यमुना दिखती थी और यमुना देखते थे गायत्री तपोभूमि से। तो एक दिन तो जब उनकी आवाज़ आने लगी खर्राटे की,
उसी में सामने लिटी विलिटी में स्थिति में, तो मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुजी हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो बोले गुरुजी ने मुझे विशेष मुद्रा सिखाई है उसमें मैं चला जाता हूँ। तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव ये क्या हुआ? तो गार्ड साहब और हम दोनों हंसे, हमने कहा हमको ऐसा लगता है कि सो जाते हैं। अरे बिल्कुल महाढोंगी है, उसको नींद आ जाती है। ये जो हमारा ध्यान है ये क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि हमने जबरदस्ती या तो एकाग्रता पैदा करने की कोशिश की है और या फिर नींद पे हम नियंत्रण नहीं कर पाए। जब भी हम ध्यान में भावपूर्ण ध्यान नहीं करेंगे, भाव में एकाग्र नहीं, भाव विवल होकर जप करना, इसलिए कहते हैं भाव विवल होकर जप करो। जब को टास्क मत बनाओ, जब को एक्सरसाइज मत बनाओ, माला कितनी हो रही ये मत गिनो, ये देखो कितना तुम्हारा मन लग रहा है। ध्यान थकान पैदा नहीं करता, ध्यान तरोताजा कर देता है। अगर आप 15 मिनट ध्यान कर लेंगे तरोताजा कर देता है। जब ध्यान एकाग्र होगा चेतन स्थिति में, सेरिब्रम हमारा चेतन स्थिति में यदि एकाग्र होगा तो हमारा ध्यान एकाग्र होगा, और ध्यान जब एकाग्रता की स्थिति में आ जाएगा तो फिर तल्लीनता तन्मयता की स्थिति में चला जाएगा, तो फिर पढ़ते समय पता भी नहीं चलेगा कितनी देर हो गई। जिसका बार बार घड़ी देखने का मन करे, जिसका बार बार हाथ घड़ी पे जाए, इसका मतलब यह कि मन नहीं लग रहा। टाइम है आपके पास 3 घंटे, तो फिर आराम से पढ़िए। ध्येय के प्रति पुलकन का भाव ध्यान में आना चाहिए। ध्येय के प्रति पुलकन, ध्येय के प्रति समर्पण, ध्येय के प्रति लगन, ध्येय के प्रति एकाग्रता, ध्येय के प्रति समर्पण। हमें भावना यह करनी चाहिए कि हमारा एकाग्र मन उसमें घुल रहा है, बराबर सतत हमारा एकाग्र मन ध्येय के साथ घुल रहा है। ध्येय कौन है? ध्येय हमारे गुरुदेव हैं, ध्येय हमारे भगवान शिव है, ध्येय हमारी गायत्री माता है, ध्येय हमारा इष्ट है, जो जिस किसी के भी हम उपासक हो। किसी का टीवी में और ड्रामा में मन लगता है तो उसमें क्या है, हमारा मनोरंजन हो रहा है, इसलिए हमारा अंतर्मन घुलता है, अच्छा लग रहा है ना, जिसे देखते रहते कंटिन्यूस, थकान मिट जाती है। कभी कभी मनोरंजन करने से थकान मिट जाती है, खूब हंस ली है। आजकल एक थेरेपी चली है, सवेरे सवेरे बंबई के बगीचों में, बड़े बड़े गार्डन्स में लोग इकट्ठे होते हैं, खूब जोर जोर से हंसते हैं, खूब जोर जोर से हंसते हैं। लोगों को लगता है पागल इकट्ठे हो गए क्या, सब एक साथ हंस रहे हैं जोर जोर, हा 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 हा। तो ये क्यों हंस रहे हैं? लाफ्टर थेरेपी, एक हंसी की चिकित्सा चालू हो गई। 24 घंटे में कभी हंसने का मौका नहीं मिलता, इसलिए एक साथ हंस लेते हैं सवेरे, उसके बाद दिन भर खुश रहने की कोशिश करते हैं। गुस्सा आए तो हंस दो, गुस्सा आए तो हंसो, ये उनके मन में आ लगता है। थकान मिटाने के लिए, अंतर मन को घोलने के लिए मनोरंजन की जरूरत नहीं है, ध्यान से मनोरंजन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। जब भावनाएं रस लेने लगती हैं उस ध्येय के साथ, ध्यान भावगत होता है, इंद्रियातीत होता है, ध्यान भावगत होता है। किसी भी विषय वस्तु को, पवित्र विचार को, पवित्र भाव को ध्येय बना लें, किसी भी विषय वस्तु को, दीपक, चंद्रमा, सूर्य, सृष्टि का सौंदर्य, प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी, किसी भी पवित्र विचार को, पवित्र भाव को, विषय वस्तु को ध्येय अपना विषय बना लें। और चाहे स्वप्न में देखा हो, आपने स्वप्न में किसी चीज को देखा हो और बहुत अच्छा लगा, स्वप्न में देखी हुई कोई अच्छी शुभ चीज हो तो उसको विषय बना लीजिए, विषय वस्तु। गुरुदेव, शिव, गायत्री, दुर्गा, ये स्वप्न में हो सकता है आपको दिखी हो, अब यही हमारा ध्येय बन जाए। जो चीज स्वप्न में दिखी है इसका मतलब ये कि चेतन मन में आने को आतुर है, जो चेतन मन में आने को आतुर है उसको चेतन में तुरंत ले आइए। पुरातन ग्रंथों में जितने भी हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि हम लोग पूजा वूजा करते ना, पुरातन ग्रंथों में मानसिक पूजा का बड़ा महत्व दिया गया है। बैठे हुए हैं सुखासन में, अब हम चंदनम समर्पयामी, तो भावनात्मक चंदन समर्पित करते थे, चंदन की भावना करते थे, चंदन की सुगंधि की भावना करते थे और चंदन समर्पित किया। फिर आजकल क्या हो गया है, आजकल हम लोग बाहर का करते हैं, अंदर का नहीं करते। बाहर का पूजन तो ढेर सारे लोग करते हैं पर मन में नहीं उतर, जीवन में नहीं उतर पाता। पुराने जमाने में भावगत पूजन कराया जाता था, ऋषियों के पास कहाँ इतना सारा सामान था, नैवेद्यम समर्पयामी, सर्वभावे अक्षतान समर्पयामी,
नई सामान हो तो कोई बात नहीं, भावनाओं का पूजन, भावनाओं का पूजन, हमारे भाई लोग गाते ना, कर रहे भाव पूजन तुम्हारा, तो ये भाव पूजन की परंपरा थी पुरानी। शिव की पूजा, गायत्री की मानसिक पूजा, इनको बड़ा महत्व दिया गया है पुरातन ग्रंथों में। मन यदि जल्दी एकाग्र हो जाए, अगर आपको लगने लगे कि मन क्यों नहीं एकाग्र हो रहा है, मन यदि जल्दी एकाग्र हो जाए तो जल्दी थक जाएगा, इसलिए क्या करते हैं क्रमिक प्रोसेस से, पहले वाणी मन अंतःकरण को हमने पवित्र किया, फिर उसके बाद हमने अपनी शिखा के स्थान को भावना की कि यहाँ हमारे विचार स्थापित हो रहे हैं। हाथ भले ही मत लगाओ, भावना करो। भावनात्मक दृष्टि से तुम क्या षटकर्म कर सकते हो, भावनात्मक दृष्टि से तुम सर्वदेव नमस्कार कर सकते हो, सर्वदेव पूजन कर सकते हो, करके देखो, आनंद आ जाएगा। और जो भी तुम्हारा ध्येय है, जैसे गायत्री माता, कमंडल से ध्यान चालू करो, कमंडल से वैराग्य की भावना का ध्यान करो, पुस्तक हाथ में है उससे ज्ञान की भावना का ध्यान करो, उनके चेहरे का तेज है, उनके चेहरे का सौंदर्य है, सौंदर्य भाव का ध्यान करें। रस लेते लेते मन एकाग्र होने लगेगा, रस लेते लेते मन एकाग्र हो जाएगा और धीरे धीरे स्थापित हो जाएगा। यदि टेस्ट नहीं आया तो मन नहीं लगेगा, यदि टेस्ट नहीं आया, रस नहीं आया तो मन नहीं लगेगा। जब खाने में टेस्ट नहीं आता तो मन लगता है खाने में, एक तरफ रख देते हैं, नमक मिर्च खाने की जिसकी आदत हो तो नमक मिर्च बिना खाना वाला भोजन दे दो तो क्या करेंगे, अलग रख देंगे एक तरफ, नहीं अच्छा मन नहीं आज खाने का, क्यों मन क्यों नहीं खाने का, खा लो ना बिना उसका, नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और उसमें बढ़िया सा स्वाद हो अगर तो, चटनी बढ़िया हो तो बढ़िया मन लगने लगता है। यदि मन को टेस्ट आने लगेगा तो मन लगने लगेगा। मन को टेस्ट कब आएगा, जब आप उनके साथ विषय वस्तु के साथ जोड़ जोड़ के कमंडल से अंदर घुसिए, किताब से अंदर घुसिए, हंस के माध्यम से अंदर घुसिए, गायत्री माता के सौंदर्य के माध्यम से अंदर घुसिए, गायत्री माता के वाहनों के माध्यम से अंदर घुसिए। 24 गायत्री माता है, 24 गायत्री माता के अलग अलग वाहन है, अलग अलग उनके हाथ में आयुध है, उनके अलग अलग बीज मंत्र हैं, किसी के भी माध्यम से, जिसके माध्यम से रास्ता मिले उसके माध्यम से गायत्री माता में अंदर प्रवेश कर जाइए। चेतन मन को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। जब मन नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा, कभी प्यास लगेगी, कभी बाथरूम जाने का मन करेगा, बाथरूम हो आते हैं, अभी भी तो गए थे, फिर से चले, फिर से हो आते हैं, कभी लगेगा चींटी चल रही है यहाँ पर, कभी चल रहा है, कभी लगे यहाँ चींटी चल रही है, कभी लगे यहाँ चींटी चल रही है, कभी 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 किसी को पीछे की तरफ चींटी चलने लगती है तो क्या समझते, कुंडलिनी जाग रही है। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य में एक सज्जन आए, जिन दिनों 83-84 तक हम ब्रह्मचर्य में बैठते थे नियमित रूप से, तो ब्रह्मचर्य में एक सज्जन आए और बोले हमारे साथ एक बड़ी दुर्घटना घट गई भाई साहब आज। हमने कहा क्या हुआ, बोले हम गंगा किनारे ध्यान कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ चींटी सी चल रही है, इतने में हमारा ध्यान टूटा तो हमने देखा छोटा सा, इतना सब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इतना छोटा सा एक सांप निकल करके गंगा जी में चला गया, पानी वाला सांप था पर वो था तो हमारे अंदर का, तो हमारी कुंडलिनी आज हमारे अंदर से निकल के भाग गई, अब हमारा क्या होगा बताइए। तो हमने कहा आपकी कुंडलिनी आपके पास मौजूद है, ये कुंडलिनी नहीं थी, कोई पास का पनीला सांप होगा जो आ गया होगा छोटा सा, वो कुछ नुकसान करने के लिए नहीं आया था। बोले नहीं हमने तो देख लिया उसको जाते हुए गंगा जी में, मतलब जैसे शरीर में से निकला हो, अरे कोई रास्ता तो बता दो कहाँ से निकला हो, पागल जैसी बातें करते हैं। तो मूलाधार की जगह चींटी चलती है तो कहते हैं कुंडलिनी जाग रही है हमारी। ये जो मन नहीं लगता तो प्यास लगती है, पेपर पढ़ने का मन करता है, कुछ और खाने का मन करता है, किसी और के कमरे में हुआ है, बाथरूम हुआ है, सिरदर्द हो रहा है, दवा ले आए नीचे से, थोड़ा घूम फिर आए, थोड़ा छत पे चले जाए, मन नहीं लगता तब, जब मन लगने लगता है तब उठने का मन ही नहीं करता। ध्यान में अनुभूतियों को तरजीह नहीं देना चाहिए, ध्यान में अनुभूतियों को, अनुभूतियां सब गड़बड़ करती हैं। जब अनुभूतियों में हम खो जाते हैं तो विषय वस्तु से हट जाते हैं। अपने मन को विरेचन के दौरान ध्यान के जो ध्येय आपने बनाया उसके साथ एकाग्र करिए। अब क्या प्रोसेस है ध्यान की, पहले चेतन मन, फिर पराचेतना, फिर परम चेतना, ये प्रोसेस है। स्टेज वन चेतन मन सेरिब्रम, स्टेज टू पराचेतना सेरिबेलम, स्टेज थ्री परम चेतना मेडुला ऑब्लंगेटा पॉन्स, धीरे धीरे हल्कापन आता चला जाएगा। यही त्रिपदा गायत्री है, सेरिब्रम सेरिबेलम मेडुला ऑब्लंगेटा को जगा देना, चेतन मन पराचेतना परम चेतना को जगा लेना, ये त्रिपदा गायत्री, गायत्री के तीन चरण मान लीजिए, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा यही केंद्र है।
श्रद्धा परम चेतना, प्रज्ञा पराचेतना और निष्ठा परम चेतना, ये चेतना पराचेतना परम चेतना इसी को मान लीजिए निष्ठा प्रज्ञा श्रद्धा एलिवेटेड लेवल। यही महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती है, इसी का वर्णन सौंदर्य लहरी में आया है, इसी का वर्णन विभिन्न प्रकार से दुर्गा सप्तशती में आया है। महाकाली कुसंस्कारों का विनाश करने वाली, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रथम क्रम में जब ये दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो फिर सेरिब्रम से नहीं जाते, सेरिबेलम से सेरिब्रम में प्रवेश करते हैं। उत्कीलन जब करते हैं तो प्रथम क्रम में महाकाली, मध्यम क्रम में महालक्ष्मी, उत्तर क्रम में महासरस्वती, इसको इस रूप में उपासना करते हैं। जबकि महाकाली जो है वो सेरिबेलम से जुड़ी है, महालक्ष्मी सेरिब्रम से जुड़ी है, महासरस्वती मेडुला से जुड़ी है। तो उत्कीलन में क्या करते हैं, गायत्री जप का उत्कीलन किया जाता है ना, क्योंकि ऑलरेडी उत्कीलित है गुरुदेव जैसी महासत्ता के द्वारा, इसलिए गायत्री मंत्र का पाठ करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करके यदि हमको सिद्ध करना है तो पहले मध्यम चरित्र में जाते हैं हम लोग। उसके बाद महालक्ष्मी का पाठ करते हैं, फिर महाकाली का पाठ करते हैं, फिर महासरस्वती का पाठ करते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं उनको महाकाली का पाठ समाप्त कर देता है, उनके कुछ संस्कारों का उच्छेदन कर देता है, निष्कासन कर देता है महाकाली का। और जो महालक्ष्मी का पाठ है वो समृद्धि और शक्ति देता है। इसके बाद महासरस्वती का पाठ जो है ब्राह्मी चेतना से एकाकार कर देता है, इसको बताया गया महाविद्याक्रम, महाविद्याक्रम बताया गया है दुर्गा सप्तशती में, मध्यम प्रथम उत्तर। चाहे गायत्री मंत्र से चालू करें चाहे दुर्गा सप्तशती से पाठ चालू करें, कोई जरूरत नहीं है कि दुर्गा सप्तशती सभी करें, गायत्री मंत्र से चालू कर सकते हैं या ओंकार के जब चालू कर सकते हैं। ध्यान यदि हमारा सही है तो हर व्यक्ति को चाहे कितना ही एलिवेटेड हो विरेचन से गुजरना पड़ेगा। जब हम विरेचन के साथ साथ लय करने की कोशिश करते हैं, आराध्य के साथ, इष्ट के साथ, ध्येय के साथ, तो लय में अवरोध बाहर निकलते हैं, और जहां हम एकाग्र करने की कोशिश करते हैं वहां श्रम करना पड़ता है, तो फिर वो अवरोध रुक जाता है, अवरोध बाहर नहीं निकल पाते। विरेचन में बेमतलब की चीजें बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती हैं, इसलिए उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विरेचन में बेमतलब की चीजें, कभी शंख दिखा, कभी हिमालय दिखा, और कभी कोई सांप दिखा है, कभी कुछ और दिख रहा है, राक्षस दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। उन पे ध्यान दे दिया इसका मतलब है कि आपकी यात्रा बीच में टूट गई, उन पे ज्यादा ध्यान न दें, गणित की जरूरत नहीं, वहां पर बेमतलब की चीजें होती हैं। जब हमको देवी भाव अनुभव होने लगे, दर्शन भावों के रूप में होने लगे और उभर करके अंतरिक्ष में विलीन होते दिखाई पड़ने लगे, इसका मतलब यह कि अब हमको सही दृष्टि से ध्यान करना आ रहा है। ध्यान की प्रक्रिया एक प्रकार से ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे भाई लोग ट्यूनिंग करते हैं तब यंत्र बजता है। तो व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना के साथ तालमेल, ट्यूनिंग, प्रॉपर ट्यूनिंग होना चाहिए। ट्रांजिस्टर लगाया, ट्रांजिस्टर लगाते लगाते हम एफएम लगा रहे हैं तो वो इधर किया तो नहीं लगेगा, इधर किया तो नहीं लगेगा, एग्जैक्टली 98.3 एफएम, 93.5 एफएम आ जाए, उसी जगह आ जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। ध्यान की प्रक्रिया ट्यूनिंग की तरह से है। परामानसिक चेतना के साथ ट्यूनिंग जिस दिन हो गई उस दिन ध्यान हो जाएगा सार्थक। जब मन अंतः में विलीन होने लगता है, देह क्रमिक रूप से अपना अस्तित्व भूलने लगती है। जब मन हमारा अंतः में विलीन होने लगता है तो देह, हमारा शरीर क्रमिक रूप से अपना अस्तित्व भूलने लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस। आपने सुना होगा कि वो जब भाव में चले जाते थे, एक रस हो जाते थे,
तो उस भाव में उनको कपड़े कब छोड़ गए उनको पता भी नहीं चलता था। उनके शिष्य लोग संभालते थे उनको, एकदम डांस करने लगते थे या खड़े होकर नृत्य करने लगते थे या भाव समाधि में खड़े हो जाते थे, अस्तित्व भूल जाते हैं। और देह के, इसी देह की तारीफ होती तो हम कभी कुछ खुश हो जाते हैं, कभी हम नाराज हो जाते हैं। तुम शरीर का ध्यान नहीं रखते हो, ये नहीं करते हो, किसी ने कुछ कह दिया या तुम्हारे गाल पे निशान क्यों पड़े हुए हैं, तो हम उसी के बारे में बार बार शीशे में आके उसी को देखेंगे, गाल को देखेंगे बार बार, क्यों हम चेत, हम उसके बारे में सचेत हो गए। चेतन मन जो है वहाँ सक्रिय हो जाता है। जब मन और तन अलग हो जाते हैं तो मन की अंतरयात्रा चालू होती है। जहाँ मन और तन अलग हो जाते हैं वहाँ मन की अंतरयात्रा चालू होती है, वहाँ सूक्ष्म शरीर सक्रिय होने लगता है। जिन जिन ने भी ध्यान किया है, ध्यान सिद्ध जो दो लोग हैं माने जाते हैं, विवेकानंद माने जाते हैं, काठिया बाबा माने जाते हैं, श्री अरविंद माने जाते हैं, रमन महर्षि माने जाते हैं, ध्यान सिद्ध महापुरुष, उदाहरण के लिए विवेकानंद, काठिया बाबा, श्री अरविंद, रमन महर्षि, परम पूज्य गुरुदेव। विवेकानंद ने निराकार की उपासना की, सर्व खिलविदम ब्रह्म, ब्रह्म में लीन हूं मैं। अल्मोड़ा के पास एक स्थान है कसार देवी, वहां वो 3 दिन तक एक गुफा में बंद रहे और उन्होंने उस दिन 3 दिन के दौरान न उन्हें बाहर आने की जरूरत पड़ी न कुछ, क्यों, उनका मन बिल्कुल निराकार के साथ एकाकार हो गया था। जब निराकार के साथ एकाकार हो जाए ये बहुत उच्च स्तरीय ध्यान है, राजयोग के सिद्ध थे। श्री अरविंद का ध्यान सावित्री का ध्यान था, रमन महर्षि का ध्यान था मैं कौन हूं, बस इसी में मौन हो गए थे, मैं कौन हूं, इसी को उन्होंने ध्येय बना लिया, इस प्रश्न को उन्होंने ध्यान का विषय वस्तु बना लिया। जैसे ही हम चेतन से अचेतन की ओर या पराचेतना की ओर परम चेतना की ओर जाने लगते हैं, गहराइयों में जाने लगते हैं, हमारे अलौकिक सामर्थ्य योगिक विभूतियां जागने लगती हैं। प्रकट होने लगती हैं। तो मन की सहज बनावट है, मन तो बराबर ये कहता है कि भागो, इसीलिए अर्जुन कहता है गीता में, गीता का 34वां श्लोक 6 अध्याय का, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्य वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ बलवान है, प्रमथन मतलब हाथी की तरह से बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। जैसे आप वायु को रोक नहीं सकते, इसी तरह से आप मन को बलवान मन को आप जो है वो संभाल नहीं पा रहे। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृहीते, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। अभ्यास, कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, और उसके अलावा क्या कहते हैं भगवान अध्याय 6 में 26वां श्लोक, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्येत आत्मन्येव वशम नयेत। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन, 6 अध्याय का 26वां श्लोक, जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर हटा कर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। जिस जिस विषय पर बार बार जाता है, लड़कियों पर बार बार जाता है लड़कों का मन, फिल्मी सितारों पर जाता है बार बार मन, खाने पर जाता है बार बार मन, कामुकता के चिंतन की ओर जाता है बार बार मन, वहां से हटाओ परमात्मा में लगाओ, वहां से हटाओ परमात्मा में लगाओ। भगवान का बड़ा स्पष्ट निर्देश है, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, जिस स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर हटा कर उसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें, परमात्मा में लगाएं, परमात्मा में लगाएं। परमात्मा में लगाओगे तो परमात्मा कौन, जो सामने बैठे हैं, जो सामने विषय वस्तु है ध्येय, उनके साथ एकाकार होने का प्रयास करें। बड़ा स्पष्ट संकेत है कि यदि विषय वस्तु स्पर्श, विषय जो स्पर्श के विषय हैं, इंद्रियादि हैं, इनसे नहीं हटेंगे तो हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। हमें ध्यान में भटकाव की बात जो आती है बार बार, जब ध्यान में भटकाव होने लगता है तो ध्यान के प्रति श्रद्धा और सत्कार का भाव बनाना पड़ेगा। ध्यान के प्रति श्रद्धा, ध्यान के प्रति सत्कार, ये ध्यान जो है ये एक श्रद्धा का केंद्र बिंदु बन जाए। 10 मिनट करेंगे पर ध्यान का समय जो हमने सुनिश्चित किया है उस समय करेंगे, और 10 मिनट तो 10 मिनट पूरा करेंगे,
ऐसा नहीं कि बोझ की तरह से करेंगे। अब आप में से किसी को मान लो ध्यान नहीं लगता, तो ये बताओ ध्यान करने के दौरान क्या क्या दिखाई पड़ता है, उन सब चीज़ों को लिख लो कागज में। सांप दिखा, पानी दिखा, राक्षस दिखे, फिर हमको कुछ और दिखा, इन सब विषयों का महत्व है अध्यात्म में, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लो, उनसे मन हटाओ और जा करके फिर मन लगाओ इधर, तब विरेचन जो है बोझ का ही होता है ना, तो विरेचन तब हो पाएगा जब उसके तरफ से मन हटेगा। बार बार उनकी तरफ मन चला गया मतलब कि बोझ पर ही मन जा रहा है। कंप्यूटर में मेल आती है, मेल आने के बाद उसमें लिखा होता है कि आपकी 4 जंक मेल हैं और इस जंक मेल को आप चाहें डिलीट कर सकते हैं, पर आपका मन बार बार जंक मेल की तरफ जाएगा, सार्थक मेल की तरफ नहीं जाएगा। तो जंक मेल की तरफ मन जाने से बार बार आपका कंप्यूटर उसी तरह से ट्यूनिंग होने लगेगा, फिर ऐसे ही विषय आएंगे जिन विषयों में आपकी रुचि है सहज रूप में, और उन्हीं प्रवृत्तियों की ओर जाने का मन करता है। कभी कभी ध्यान में आंसू बहते हैं, बड़ा आंसुओं की धार बहने लगती है। व्यक्तिगत जीवन में ऐसे व्यक्ति दृढ़ दिखाई पड़ते हैं, सामाजिक जीवन में दृढ़ दिखाई पड़ते हैं। मजबूत बनने के चक्कर में अपनी भावनाओं को दबा रखा है इन्होंने, भावनाएं दबा रखी हैं, तो क्या है, कहां निकलेंगी वो? विरेचन में निकलेंगी। जब आप सामाजिक जीवन में नहीं रहोगे, लोगों के सामने मजबूत बने रहोगे कि मैं तो बहुत बहुत मजबूत हूं, जरा भी किसी भी चीज से मैं परेशान नहीं होता, तो फिर क्या होता है, भावनाएं दबी हुई भावनाएं जो हैं वो ध्यान के समय निकलती हैं, और ध्यान चाहता है दबाव निकले, किसी न किसी तरह दबाव निकले, आप जो वास्तव में हो वही प्रकट हो। समाज के सामने असली नहीं होता आदमी, असली अपने आप के सामने होता है, आराध्य के सामने होता है। और असली वही होना भी चाहिए, आराध्य के सामने अगर असली नहीं हुए तो फिर किसके सामने हुए? ध्यानी और ज्ञानी व्यक्ति समाज की और कमरों की दीवारों से हट करके मन की दीवारों में चला जाता है। जो यहां ठीक है वो सच्चा ध्यानी है। बाहर कितने ठीक हैं, बाहर से कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे सुंदर दिखते हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव है, सब कुछ है, बाहर तो बहुत अच्छे हैं आप। ऐसे बहुत सारे लोगों की मुझे जानकारी है जो बाहर बहुत अच्छे हैं, पर उनका जब भावनात्मक दबाव देखा, वो अपना सारा के सारा दबाव या तो पत्नी पे निकालते हैं, बच्चों पे निकालते हैं, सबऑर्डिनेट्स पे निकालते हैं, या अपने आप पे निकालते हैं, अपनी वासनाओं पे निकालते हैं। जो व्यक्ति सच्चा ध्यानी है वो मन की दीवारों में जाकर के अपने सारे के सारे जितने भी हैं वास्तविकता वहाँ पर खोल देगा कि मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, इन कमियों को कैथार्सिस के माध्यम से, विरेचन के माध्यम से निकालिए। कभी कभी भावुकता के आवेग आते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, ये भावुकता के आवेग, गुस्सा, चिड़चिड़ापन वास्तव में कुछ घटनाओं की तरह से हैं कि जो हमें तकलीफ आती, भोग आता, 6-8 महीने तंग करता, वो थोड़े से देर में हमको परेशान करके चला जाता है। इसलिए उसको तप मान लेना चाहिए, उस परेशानी को तप मान लेना चाहिए, वो कट जाता है, भाव बोध में कट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गुस्सापन, चिड़चिड़ापन बाहर सामने वाले के सामने निकालना है, अपने ऊपर गुस्सा आता है, अपने ऊपर चिड़चिड़ापन आता है, अकेलेपन में आता है, एकांत में आता है। औरों के ऊपर निकालोगे तो फिर इसका मतलब ये कि आपको व्यक्तित्व का विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर औरों के ऊपर निकालोगे तो फिर आप फिर अलोकप्रिय हो जाएंगे, असामाजिक हो जाएंगे। बाहर की दुनिया में तो बहुत अच्छे हैं, तो भावुकता के आवेग जब गुस्से के रूप में अंदर ही अंदर निकलने लगे, अपने आप पे गुस्सा आता है, अपने आप पे चिड़चिड़ापन होता है। 6-8 माह तक तंग करता कोई रोग हमको, भोग, वो थोड़ी देर में निकल रहा है, इसलिए उसको निकाल देना चाहिए, हम बच जाते हैं संकटों से। विरेचन के कारण ही ध्यान एक चिकित्सा पद्धति है, कैथारसिस के कारण ही ध्यान एक थेरेपी है। अगर ये विरेचन न होता ध्यान के साथ जुड़ा हुआ, तो ध्यान चिकित्सा पद्धति नहीं बन जाती, एक शुगल बनता। आओ ध्यान करें, बस आओ, जैसे योग करते ना, योग को योगा बोल के आओ योगा करें, योगा को शुगल बना दिया। योग वास्तव में सही अर्थों में ध्यान की पराकाष्ठा तक पहुंचने का और समाधि की पराकाष्ठा तक पहुंचने का नाम है।
हमारे व्यक्तित्व की सारी परेशानियों की प्रतिक्रिया, जितनी भी व्यक्तित्व की परेशानियां हैं, जितनी भी हमारे व्यक्तित्व से जुड़े हुए हमारे जन्म जन्मांतरों से और बचपन से लेकर अभी तक की, हमारी बहनों के साथ जुड़े हुए, भाइयों के साथ जुड़े हुए, माता पिता के साथ जुड़े हुए जो भी हमारे संकट रहे हैं, वही मनोरोग के कारण है, मूलतः मनोरोग के कारण है। ध्यान में हम इन मनोरोगों के कारणों से रूबरू होकर इनसे मुक्ति पाते हैं। ध्यान में हम इन मनोरोगों के कारणों से जो एकत्र हो गए हैं, जन्म जन्मांतरों से एकत्र हैं, मौका ही नहीं मिला कभी। मौका अब जाके मिला तो इसको मान लें कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ध्यान को करने का मौका मिला, ध्यान समझने का मौका मिला। जन्म जन्मांतरों के कष्टों से मुक्ति पानी है, ध्यान एक प्रकार का कायाकल्प है, एक प्रकार का कायाकल्प है, जैसे पंचकर्म होता है उस तरह का कायाकल्प है, या इसको ऐसा कह लीजिए आध्यात्मिक भावकल्प कह लीजिए, आध्यात्मिक भावकल्प। ध्यान एक प्रकार का आध्यात्मिक भावकल्प, मनोकल्प। मयासी में हमने किताब लिखी थी आध्यात्मिक कायाकल्प, पूरी किताब का नाम याद नहीं है, हेडिंग का आध्यात्मिक कायाकल्प। उसमें जड़ी बूटियों का कल्प था, सब तरह के कल्प थे। तो गुरुदेव को दिखाने के लिए जब ले गए कि आपने विषय बताए थे ले लिए, गुरुदेव ने कहा बेटा इसमें सब तुमने ले ली, जड़ी बूटी ले ली, दूध ले लिया, तक्र का कल्प ले लिया, सब ले लिया, पर इसमें आध्यात्मिकता की बात कहाँ आ पाई? आप दो चैप्टर और जोड़ो उसमें, उसमें भी ध्यान, चिकित्सा, विरेचन, ये सब जुड़वाया था। 82 में लिखी किताब अभी भी उपलब्ध है साहित्य स्टॉल में, आध्यात्मिक भावकल्प की का सुनिश्चित सुनिश्चित सरल विधान, ऐसा कुछ करके किताब, मोटी किताब का। ये प्रथम चरण है मनोकल्प, पहला प्रथम चरण है। इसकी सफलता अगर हो गई तो ये हमें ध्यान के उत्कर्ष पर ले जाती है। जब ध्यान होता है तो हमें बाहर की दुनिया का ख्याल नहीं रहता। मैंने कहा ना देह और मन, तन और मन दोनों जब परे टूटने लगे, अलग होने लगे, समझ लो कि ध्यान अंतर जगत में प्रवेश कर रहा है। स्वामी विवेकानंद साधना कर रहे थे और स्वामी विवेकानंद के साथ गिरीश बाबू जो उनके परम मित्र थे वो भी ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते गिरीश बाबू ने देखा कि मेरा तो ध्यान लग नहीं रहा है, गंगा का किनारा, सितंबर अक्टूबर का मौसम, उमस, मच्छर पूरे के पूरे जो हैं वो काट रहे हैं, तो कभी वो यहाँ मारें, कभी वो यहाँ मारें, कभी इधर से यूँ करें, पूरे के पूरे तीन चार साढ़े तीन घंटे तक विवेकानंद बैठे रहे। गिरीश बाबू ये सोच के बैठे रहे कि जब जितनी देर नरेंद्र बैठा रहेगा उतनी देर मैं ही बैठा रहूँगा। उम्र में उनसे बड़े भी थे, थिएटर कंपनी के मालिक थे। नरेंद्र बाबू जो थे, नरेंद्र जो थे स्वामी विवेकानंद, वो उनके चारों ऊपर एक कंबल की तरह से, चादर की तरह से, ब्लैंकेट ऑफ मॉस्किटोज, काले काले बड़े बड़े मच्छर भी कलकत्ता के बड़े स्वस्थ होते हैं, इतने बड़े बड़े, और पूरे के पूरे बैठ गए। पर उनको जरा भी, उन्होंने अपनी काया को जैसे अलग कर लिया उससे, और वो प्रेम से वो अपना काम करते रहे और ये अपना काम करते रहे ध्यान करने का। तीन घंटे बाद जब ध्यान उनका समाप्त हुआ तो उन्होंने हटे तो सारे मच्छर उड़ गए। तो उन्होंने कहा गिरीश बाबू ने कि हम इतनी देर तक तो मच्छर मारते रहे और तुम ध्यान करते रहे, तुम्हारा मन कैसे लग गया? बोले मच्छर अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता रहा, मैंने अपने शरीर को, देह को मन से अलग कर लिया था, मेरा मन अपने साथ था और देह अलग थी। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।